इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बड़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बड़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती जब बीमारी है? ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते। कानून कैंसिल नहीं करेंगे, सरकार के दिमाग में सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। कानून छोटी चीज है, कानून फिर भी आ सकते हैं, कानून फिर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई हॉस्पिटलों के गेट पर, जिन लोगों की जान गई उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग, ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना, कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग, 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कराए इन्होंने या देश की जनता देखती है उनको, सबक दिखाएगी इनको देश की जनता। ये कानून खत्म नहीं हो सकते, देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी, उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। तो हमारा आंदोलन है, तो सुनो, अगर हिम्मत है तो दिखाओ, इस जनता को दिखाओ हिम्मत है तो, ये दिखाना पड़ेगा आपको। जिस जब जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, हम उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे, पुलिस की लाठियां खाकर ऑक्सीजन दिलवा रहे। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल खाल साइड यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर लगाती है ऑक्सीजन का, तो लाठियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। हमने अगर ऑक्सीजन के यहाँ से लुधियाना और चंडीगढ़ से हमने 10-10, 20-20 सिलेंडर खरीद के और हमने अगर गाँव में भेजे, तो उसी सरकार ने फिर जो पैटर्न हमारा था उसी पे ही काम करा है ना सरकार ने। फिर जब हमने कहा कि ऑक्सीजन के हॉस्पिटल खोल लो, जो हमारी वहां पे हॉस्पिटल है जो बंद पड़े हुए हैं उसको खोल लो, जो गांव में डॉक्टर है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ, हमने दिए हैं ऑक्सीजन। हमने हरिद्वार, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, रिवाड़ी के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई। हमने ऑक्सीजन दिलवाने के लिए लाठियां खाई हैं, हमने खाई है लाठियां, हमने हजारों लोगों की जान बचवाई ऑक्सीजन दे के। सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार अगर कोई भी संस्थाएं ऑक्सीजन पे या किसी उस पर काम करती थी उनके ऊपर लाठियां चलाई, आप वो दिखाओ। अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार की प्रायोरिटी में जो प्राथमिकता थी उसमें अगर कोरोना महामारी थी और कानून से बड़ा कोरोना था, तो ये कानून बात करके वापसी एक दिन में ले सकते थे, इन किसानों को घर भेज सकते थे, इन हमारे से जो चाहिए था हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमने आंदोलन करते हुए भी लोगों की हेल्प करी है, हमने, सरकार ने नहीं करी। सरकार ने तो इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाए हैं और हमने बार बार कहा है कि जिस तरह से इंजेक्शन ब्लैक में जा रहे हैं उसी तरह से रोटी तिजोरियों में बंद होगी। यह आंदोलन उसी का ही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। हम ये कह रहे कि ये आंदोलन स्थल ये कोई कोरोना का उद्गम स्थल है कि यहाँ से कोरोना फैल रहा है। जब बंगाल में चुनाव हुए भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई, कोरोना वहाँ भी फैल सकता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए वहाँ कोरोना नहीं फैलता। यहाँ पर तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लोग डिस्टेंस बना कर रहते हैं, लोग ने मकान बना रखे हैं उसमें 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। आपके लोग नहीं, देश की मीडिया नहीं,
ये दिखाते रहे कि आदमी चले गए, भीड़ नहीं है। अब अगर हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज़्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, तो आज कहते हैं कि अब बहुत भीड़ आ गई, तो तय करके ये बता दो कि भीड़ यहाँ कम है या ज़्यादा है। हम तो डिस्टेंस का पालन करते हैं, यहाँ पर छिड़काव होता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, शाम के टाइम यहाँ 7 बजे के आसपास यहाँ पर फॉगिंग होगी, जो दवाई छिड़की जाती है। क्या किसी गांव में, किसी शहर की कॉलोनी में किसी के वहाँ पे दवाई छिड़की जाती है हर रोज? ये पूर्ण रूप से जहाँ पे धरना स्थल है यहाँ पे कोई इस तरह की बीमारियाँ नहीं है। जो लोग गांव से आते हैं वे 8-10 दिन 15 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन टाइप से अलग से वे लोग रहते हैं यहाँ पे। हमको पता है बीमारी का, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस पर। अगर सरकार संज्ञान में लेती तो इस पर बात हो सकती थी, सरकार बात कर सकती थी। अगर सरकार के दिमाग में बीमारी बड़ी होती तो कानून छोटे होते, कानून तो फिर भी बन जाएंगे, वापसी ले लेते, एक बार बात कर लेते बुला के, ये लोग अपने घर चले जाते। लेकिन आज भी सरकार को यह है कि कोरोना के नाम से इन किसानों के ऊपर एक एलिगेशन और लगाओ और कहो कि बीमारी यहाँ से फैल रही है। इस आंदोलन के किसी की सपोर्ट नहीं है, न यहाँ तक कोई आया। जैसे विपक्ष में पहले बीजेपी रहती थी, ये जितना सपोर्ट करती थी, क्या ये कभी सपोर्ट करके आंदोलन के धरने में बैठती थी? जैसे इन्होंने सपोर्ट करा होगा ऐसे ही दूसरे सपोर्ट कर रहे, यहाँ कोई नहीं आया हमारे बीच में। अगर कोई पहले आए भी हैं जनवरी फरवरी में, पहले नवंबर दिसंबर में, तो वे नीचे मंच से नीचे बैठते थे। यहाँ कोई नहीं आया पिछले 4 महीने से। ये आंदोलन ना पॉलिटिकल है, यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। हमने ये कहा कि अब यहाँ पे ना हम भीड़ बढ़ा रहे, हम एक किस्म से ये गांव है, जैसे लोग गांव में रहते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग अब नहीं होती, जब तक ये कोरोना डाउन नहीं आएगा कोई पब्लिक मीटिंग हम बाहर नहीं कर रहे। पूरा सोशल डिस्टेंस से हम लोग रहते हैं, पूरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग गाँव से आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं गांव से, जो लोग आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ 8-10 दिन 15 दिन वे लोग एकांत में रहते हैं। जो लोग यहाँ से वापसी चले जाएंगे वे लोग पूरा अपने घर पे एकांत में रहते हैं। आगे का ये रहेगा कि जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमने उनको चिट्ठी लिखी है, हमने कहा है कि आप बात करो, जो मसले हैं उस पर बैठ के ही बातचीत होगी। 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार का कोई मैसेज नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने फिर उनको लेटर लिखा और जब बातचीत करेगा, हम बातचीत को तैयार हैं, हम तो उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। हम कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर रहे, ये आंदोलन जहां है एक किस्म से ये गांव है, ये कॉलोनियां हैं, ठीक है, ये यहीं के यहीं रहेंगे। भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर रहे जब तक ये कोरोना पूरा डाउन नहीं आता, जब तक पूरी जो WHO की जो रिपोर्ट है जब तक वह सही नहीं होती, हम कोई बड़ी गैदरिंग कहीं पे नहीं कर रहे। लेकिन आंदोलन की जहां तक बात है, आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से सरकार के, उससे अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकार को यह लगता है कि देश में कानून से बड़ा कोरोना है, तो उनको कानून खत्म कर देना चाहिए, हम भी अपने घर जाएंगे। हमको कोई शौक है कि 6-6 महीने तक देश में, जो लोकतांत्रिक देश है इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, 6 महीने तक बैठ के अपनी बात कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और आप उसकी बात नहीं सुनोगे? ये तो गलत चीज है ना सरकारों की, कौन सरकार सुनेगी फिर? हम किस तरह से आंदोलन करें, वो आंदोलन का हमको तरीका बता दो कि सरकार कौन सी भाषा में बात सुनना चाहती है, वो तरीका बता दो, हम उसी भाषा में सरकार को बात सुना देंगे। लेकिन यह है कि देश की जनता से, उससे हमारे पक्के मकान हैं, पक्के घर हैं, पक्की कॉलोनियां हैं, हम यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंस है, जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम ये आंदोलन धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा।